नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी, आप देख रहे हो इंडिया टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज हमारे पास एक और DJI मिनी 2 ड्रोन है। तो दोस्तों इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत है मैं आज मैं आपको पूरा डिटेलिंग में एकदम एकदम डिटेलिंग में बताने वाला हूँ। इसमें दोस्तों क्या हुआ है कि इसकी पहले ESC थी, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये इसका मोटर है और इसको मैंने पहले से ही खोल के रख रखा है, जो कि मेरे पास एक रिपेयर होने आया ये ड्रोन, और ये मैंने पहले से ही खोल के रख रखा है आपके लिए ताकि मैं आपको डिटेलिंग से बता सकूं। दोस्तों ज़्यादातर मेरे पास DJI मिनी 2 के ही ड्रोन आ रहे हैं, मिनी 2 जो ड्रोन होते हैं ज़्यादातर मेरे पास वही ड्रोन आ रहे हैं रिपेयर होने के लिए, क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो मेरे सारे अलग अलग आपको प्रॉब्लम बताऊँगा, वो भी अलग अलग ड्रोन के साथ हैं वो सारी वीडियो। आप देख सकते हो इस मोटर को, ये मोटर जल चुकी है, आप ध्यान से देखना ये मोटर जल चुकी है। अंदर से इसकी कॉइल देखना, आपको ध्यान से देखना होगा अंदर की जो कॉइल है ये सारी जल चुकी हैं, यहाँ पर ये हीटिंग हो रही हैं, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आप एक बार इन कॉइल को देखिए और इन कॉइल को देखिए, आप दोनों कॉइल को देखिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जो ये कॉइल एकदम नीट एंड क्लीन है और इनमें आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फैल गई है, जल चुकी हैं। तो दोस्तों हुआ क्या इसमें, इस ड्रोन में क्या हुआ, बैटरी लगाते समय एकदम से हमारा ESC बोर्ड ख़राब हुआ है। पहले तो सबसे पहले ESC बोर्ड आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो ESC है ये जली हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये ESC बोर्ड की जो एक MOSFET है ये जल चुकी है, जिसकी वजह से पूरा ESC सिस्टम ख़राब है इस टाइम ये। और दोस्तों ESC जलने की वजह से ही इस मोटर में ये फॉल्ट हुआ है, क्योंकि ESC यहाँ से ये MOSFET जली है, इसकी वजह से ये यहाँ पर ये फॉल्ट हुआ है। इस फॉल्ट की वजह से हमारी मोटर की आर्म है वो भी ख़राब हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर इसके जो पिन हैं ये सारे उखड़ चुके हैं यहाँ से, अच्छे से इसकी जो लाइन सप्लाई है वो कट हो चुकी है। और देख सकते हो यहाँ पर ये इसकी वजह से यहाँ पर ये मोटर ये यहाँ पर ये लगी हुई होती है, ये मोटर इस तरीके से लगी हुई होती है जिसकी वजह से ये मोटर जली है। आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, आप देख सकते हो ये मोटर जली हुई है, आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये पूरी जल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस मोटर को, ये पूरी जल चुकी है ये मोटर, और ये ख़राब है, ये रोटेट भी अच्छे से नहीं हो रही है। और चाहिए आप इस मोटर को देखिए, ये अच्छे से आप इस मोटर को दोनों को देखिए तो आपको पता चल जाएगा। ये देख सकते हो आप क्लियरली, आप देख सकते हो ये सही मोटर है और ये है हमारी जो जली हुई मोटर है वो वाली मोटर है। और दोस्तों इसके ESC बोर्ड ख़राब हो चुका है, ये भी जल चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये ESC बोर्ड इसका जल चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसी को रिपेयर करेंगे, इसके लिए दोस्तों हमको ESC बोर्ड और ये आर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने पहले ही मंगा कर रख लिया है एक ESC बोर्ड और एक आर्म, मेरे पास पहले ही मैंने मंगा कर रख लिया है। तो आज की वीडियो में इन दोनों को हम रिप्लेसमेंट करेंगे, देखते हैं हमारा ड्रोन फ्लाई करता है या नहीं, विद प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ के साथ फ्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने मंगाया हुआ है, आप देख सकते हो ये मैंने एक मंगाई हुई है, ये ESC बोर्ड है इसका, जो कि मैंने एक भाई से मंगाया हुआ है, और ये ओरिजिनल DJI का है विद ब्रांडिंग के साथ, आप देख सकते हो ये DJI का ही है। और दोस्तों मैं ये DJI के ESC बोर्ड मंगाया हुआ है, और आप देख सकते हो दोस्तों इसका आर्म भी है, इसका आर्म भी मंगाया, इसकी मोटर आप देख सकते हो ये इसकी आर्म है, और ये इसकी ख़राब वाली आर्म है, और ये इसकी मैंने आर्म जो मंगाई है वो है। और दोस्तों आप देख सकते हो कि इसका ESC बोर्ड, तो आज की वीडियो में इसी को रिप्लेसमेंट करते तौर पर इसको साइड में रखते हैं और इसको हम साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आर्म को फिट करेंगे, तो आर्म को फिट करने के लिए यहाँ से लेंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा मैं DJI मिनी 2 की ही वीडियो बना रहा हूँ, तो लोगों के कमेंट भी इस तरीके से मेरे पास कॉल आ रहे हैं जिनके रिपेयर होने हैं। तो दोस्तों जो भी मैं वीडियो बताता हूँ सारे रिपेयर होने के लिए ही बताता हूँ। अगर आपके DJI का कोई ड्रोन है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और कुछ अगर आपका सवाल है DJI ड्रोन के थ्रू तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
दोस्तों इसके नीचे हमको ये लॉक लगाना है। तो भाई सब देख सकते हो मैंने इसको फिटिंग अच्छे से कर लिया है, हमारा एक आर्म फिट हो चुका है, ये वाला आर्म हमने फिट कर लिया है। और दोस्तों ये बहुत ही मेहनत लगी इसको करने में, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरीके से डलता है ये आर्म। तो दोस्तों इसके बाद है हमारी ESC बोर्ड की बारी, तो हम सबसे पहले ESC बोर्ड को खोल लेते हैं। तो दोस्तों ESC बोर्ड खोलने से पहले हमको ये सारे कनेक्शन हटाने होंगे। आप देख सकते हो ये जितने भी मोटर के कनेक्शन हैं हमको ये सब हटाने होंगे। उसके बाद ये सब पत्ते को देख रहे हो ये भी हटाना है हमें। इसको हटाने के बाद ये कनेक्टर भी निकालना है, जो फ्रंट की LED का जो कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर को भी हम अच्छे से निकाल लेंगे। उसके दोस्तों इसको बहुत ही प्यार से निकालना है, क्योंकि दोस्तों बस ये निकल चुका है और हमको ये सारे सोल्डरिंग हटा लेने हैं। तो दोस्तों चलिए इसके सारी सोल्डरिंग हटा लेते हैं। उसके पहले हमें ये स्क्रू खोलना है। फटाफट से सोल्डरिंग हटा लेते हैं, उसके बाद की वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमने ये सारे कनेक्शन यहाँ से हटा लिए सोल्डरिंग। अब हम ESC बोर्ड को धीरे से इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों इसको बोर्ड निकालने के लिए हमको ये GPS भी खोलना पड़ेगा। को साइड में करके दोस्तों हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो ये बहुत ही बुरी तरीके से जल चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जल चुका है। और अब हम इसमें ये वाला ESC बोर्ड लगाएंगे जो कि हमने मंगाया है। अब देख सकते हो हम ये ESC बोर्ड इसमें लगाएंगे, इसमें सब कुछ परफेक्टली ओके है। तो दोस्तों हम इसको यहाँ पर लगाएंगे और इसको साइड में रख देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों इसको रख के सबसे पहले हम इधर हमारी रबर की जो छल्ले हैं इनके अंदर डाल लेंगे। डालने के बाद दोस्तों अब हम इनको अच्छे से टाइट कर देंगे। और दोस्तों हम बारी बारी से सारी सोल्डरिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखो बाकायदे मेंशन, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है WVR वाइट ब्लैक रेड, और यहाँ पर रेड ब्लैक वाइट, और यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो वाइट ब्लैक और रेड, ऐसे ही जैसे कलर में कलर बाई कलर आपको सोल्डरिंग कर लेते। तो चलिए फटाफट से मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने सारी वायरिंग कर ली है अच्छे से। आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छे से वायरिंग हमने कर ली है। दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से वायरिंग करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है,
सारी वायर को अलग अलग करने का, थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट करोगे तो आपका एसी भी ख़राब हो जाएगा और साथ के साथ आपका मोटर भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपको काफ़ी सावधानी से आपको वायरिंग करनी है दोस्तों। इसके बाद हम लगेंगे जीपीएस। तो दोस्तों इसके बाद हम जीपीएस तो दोस्तों हमारा जीपीएस भी लग चुका है। अब दोस्तों हमारा एंटीना वायर है, तो एंटीना वायर को हम यहाँ से निकालेंगे। देख सकते हो यहाँ साइड से हम एंटीना वायर को निकालेंगे। इसको हम साइड में रख देंगे। ये हमारा एंटीना वायर है, इसको हम यहाँ से निकालेंगे। तो देख सकते हो हमने एंटीना वायर भी हमारा लगा लिया, जो एंटीना है वो भी हमारा लगा लिया है। अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और फाइनली हम इसको लगा लेंगे। दोस्तों फिलहाल इसमें इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे वर्केबल वर्क काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों बैटरी, सबसे पहले बैटरी इंस्टॉल करेंगे एक बार। आप और देख सकते हो कि आपके कनेक्शन कोई आपस में शॉर्ट तो नहीं है। आप अच्छे से देख सकते हो कोई कनेक्शन शॉर्ट नहीं है। और दोस्तों अब हमारा ये LED का वायर, जो कि हमारा LED का वायर भी लग चुका है। तो दोस्तों अब हम इसको चेक करेंगे। एक मिनट, इसको निकाल लेते हैं पहले और इसको अच्छे से इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं हम, ताकि ये बैटरी में अटैच नहीं होगा। तो दोस्तों अब इसमें बैटरी लगाएंगे। सबसे पहले गिम्बल का कैप खोल लेंगे।
और इसमें बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगाने के बाद हम इसको ऑन करेंगे।